वरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। हमारे शेरू भाई का वीडियो आ चुका है जिसमें शेरू भाई जो है हर रोज़ अभी बाहर का ब्लॉग जो है वो शूट कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं, मैं बताऊँगी दो कारण क्या है। अच्छी बात है, फैमिली के साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो है एक कपल को उतना वक्त नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। सो अभी उनको जो है थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, ऐसा लग रहा है दोनों को देख के, मैं भी दोनों को देख के, कि सालों बाद जब कैदी जेल से छूटते हैं तो वो कैसा फील करते हैं। तो उनको देख के वैसे ही फील आ रहा है कि सालों बाद कैदी जो है वो जेल से छूटे हैं। इसलिए जो है सवेरे शाम दोनों बच्चों के लेके बस इधर उधर घूमना फिरना चालू ही है। माँ जो है छोटे वाले बेटे और बहू को लेके हनीमून पे गए हैं, बेटे बहू को हनीमून पे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो उमरा को गए हैं। अब क्यों नहीं लग रहा है इसका भी मैं आगे बताऊंगी, स्टे ट्यून। ठीक है, पूरा ब्लॉग देखना तो समझ जाएगा आप लोग। तो माँ जो है बहू बेटे के साथ हनीमून पे गई है, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा बेटा जो है अपने बीवी के साथ जो है इंडिया में जो है एंजॉय कर रहे हैं। दोनों बेटियाँ अपने अपने घर में अकेले अकेले जो है अपना फैमिली टाइम एंजॉय करें, लेकिन बाप का कोई अता पता नहीं है। बाप के बारे में कोई पूछता है तो ये लोग रिप्लाई नहीं करते, बाप का कोई जिक्र नहीं है ना कोई फिक्र है। सब अपने अपने दुनिया में अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है, लेकिन बाप जी रहा है कि मर रहा है कि खा रहा है कि कैसा है, बाप की कोई फिक्र नहीं है ना किसी को फिक्र है। अच्छी बात है, इसीलिए ऐसे बाप ने जो है ना अपने औलादों को भी छोड़ के रखा है। एक हम क्या, मेरे बाप देख लूँ या फिर मैं अपने ससुर को भी देख लूँ ना, अभी भी अपने बच्चों के साथ है, बच्चों के भला बुरा में साथ है। चाहे कोई भी चीज़ हो, अब्बा को बुलाओ तो अब्बा हाजिर होते। मेरे अब्बा भी अभी तक भी अपनी बेटी के साथ है। हर इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को अगर आप देखो, मोस्टली 99% लोगों को जो है ना लोग के अब्बा अपने औलाद के साथ भी होते हैं। और औलाद अगर मान लो जॉब के लिए किसी कारणवश अगर अलग भी रहता है, फिर भी बाप के टच में रहता है, बाप की खैर खबर लेता रहता है। लेकिन इनके बाप की जो है ना खैर खबर लेने के लिए भी कोई नहीं है। बेटी भाई के लिए तो खाना बेचती है लेकिन बाप के लिए नहीं बेचती है। बेटा जो है अपने बीवी बच्चों को लेके घूमने तो जाता है लेकिन बाप को लेके एक बार भी नहीं जाता ना, बाप के लिए कुछ भी लाता है। माँ जो है उमरा के नाम पे घूमने के लिए छोटा बहू और बेटे के साथ हनीमून को तो चले गई लेकिन पति को साथ में लेके नहीं गई। तो इसी से पता चलता है कि इनके फैमिली का क्या बॉन्डिंग है। जो बच्चे अपने बाप के नहीं हुए, जो औरत अपने पति के ना हुई, वो लोग किसी और के क्या होंगे, ये फैक्ट बात है। देखो माँ बाप की नाफरमानी मतलब बात अगर आप नहीं मानते हो दैट डजेंट मीन कि आप माँ बाप को प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, केयर नहीं करते। जैसे मैंने भले ही लव मैरिज किया हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो मैं अपने बाप के खिलाफ करी। मेरे बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे स्टडीज़ को लेकर एयर होस्टेस बनना था मुझे, बट मेरे पापा उस चीज़ को जो है राज़ी नहीं हुए। मैं चाहती तो मैं गुस्सा करके ज़िद करके मैं वो चीज़ मनवा लेती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो सही नहीं लगा। बट हाँ, मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ गलती की कि मैंने अपने पसंद से शादी की, क्योंकि मुझे उस वक्त समझाने वाला ना तो खुद की माँ थी, ना खुद की बहन थी, ना भाभी थी, ना कोई था। मेरे घर में सिर्फ दो ही मर्द थे, जो भी रिश्तेदार थे वो दूर थे। मुझे समझाने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था। तो यूँ कह लो कि अगर माँ होती तो शायद मेरा लव मैरिज नहीं होता, क्योंकि माँ ही होती बच्चों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। लेकिन आज भी अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देख लो, डेली व्लॉग का, हिंदू मुस्लिम कपल व्लॉग्स का, तो उसमें हर एक व्लॉग को छोड़ के मेरी फैमिली की या मेरे माँ बाप की जिक्र रहती है, क्योंकि मैं उनको मिस करती हूँ, मैं उनको प्यार करती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि बेटियाँ जब शादी होती है तो पराई हो जाती है, तो मेरे भी कुछ बाउंड्रीज है, प्लस हिंदू मुस्लिम की शादी है तो मेरी तो और भी ज़्यादा बाउंड्रीज है, जिसकी वजह से मैं अपने बाप के पास नहीं जा सकती। लेकिन याद तो बहुत आती है, बहुत आती है। लेकिन इनको देख के मैं शॉक्ड हूँ, मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ, ट्रस्ट मी, कि एक ही शहर में रह के, अपने बाप के इतने करीब रह के, इतने साल अपने बाप के साथ रह के भी उनको अपने बाप की फिक्र कैसे नहीं होती। बोलते माँ और बाप एक ऐसी चीज़ होती जिनको जिनके साथ हम रिश्ता जब भले ही जो है ना हम जितना भी दूर चला जाए, दिल का रिश्ता होता है। जब मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं अपने पापा से बात करती थी, तो मेरे पापा मुझे कभी कभी पूछते थे, माँ तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, मतलब कभी कभार थोड़ी बहुत तबीयत है तो ख़राब हो जाती है। तो मैं बाबू को बोलती कि बाबू तुमको कैसे पता। तो मेरे पापा बोलते थे, जब तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। शादी के बाद भी, इनफैक्ट कुछ साल पहले तक भी, एक दो साल पहले की बात है, तो बाबू बोलते थे फ़ोन करके, जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो फिर एक दो दिन बाद बाबू का फ़ोन आता तो बाबू बोलते थे तो माँ तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना। मैंने कहा हाँ बाबा मेरी तुम्हारा तबीयत ख़राब था, बच्चे बहुत परेशान करूँ, मैं मतलब तुम्हारी भी तबीयत ख़राब हुई है क्या। तो बोला हाँ, जब तेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी भी तबीयत ख़राब हुई। तो मैंने क्यों ऐसा बोले, तेरे साथ मेरा खून का रिश्ता है ना माँ।
तो एक होता है ना कि माँ बाप भले ही जितने भी बूढ़े हो जाए, माँ बाप होते हैं, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ कि इनको इनकी बाप की ना याद आती, ना फिक्र होती, ना जिक्र होती इनके अब्बा की। सब अपने लाइफ में मस्त है, लेकिन यही बाप जिसने इन लोगों को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, जब इनकी कोई औकात नहीं तब उनके बाप ने उसको उनको संभाला, चार चार भाई बहनों को, बीवी को, सब कुछ किया। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, बाप को छोड़ दिया उन्होंने, और वो सास सास जो है वो उमरा को जा रही आलिमा बहू को लेके, इतना जेवरात पहन के, इतना हाई करके जा रही। भाई तू उमरा को जा रही कि किसी शादी में जा रही, ज्वेलरी पहन के, ज्वेलरी लेके जाके तू साबित क्या करना चाहती? आलिमा बहू पैरों में पायल छुन 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 करके जो वो उमरा को गई, तो भाई तू उमरा को गई कि मुजरा करने गई? तो पायल पहन के काबा शरीफ में जब जाएगी किबला के सामने, दूसरों की इबादत तेरी आवाज़ से ख़राब नहीं होगी? और इबादत ख़राब हो या ना हो, हमारे में बोलते हैं कि पायल की आवाज़ से ना शैतान बहुत खुश होता है। तो अल्लाह के घर में जाके शैतान को खुश करने जा रही है या फिर वहाँ पर मुजरा करने को जा रही है? और इसकी देखा देखी जो है नूर ने भी छुन छुन वाला पायल जो है वो जो खरीद लिया है। मैंने उस दिन बोला था ना कि एक तालाब जो होता है ना, सॉरी, एक मछली जो होता है ना वो पूरे तालाब को गंदा कर देता है। तो आलिमा के देखा देखिए जो है ना, ये जो बड़ी वाली बहू है वो भी ख़राब हो चुकी। ये लोग जो है ना आलिमा के नाम को ख़राब कर रहे हैं, आलिमा के नाम को जो है जलील कर रहे हैं, उमरा का मजाक बना रहे हैं। जब आप अल्लाह के दर पे जाते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पे जाते हो ना, तो लोगों को इबादत करते करते वक्त ही नहीं मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि इबादत कर रहे हैं तो मजबूरी में कर रहे हैं, लोग इबादत में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, उनका दिल और दिमाग इसी चीज़ में रहता है कि इनको जो है ना लोगों को शूट करने का या वीडियो रिकॉर्डिंग करने का वक्त नहीं मिलता। मैंने कई सारे लोगों से सुना है, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स देखोगे ना तो ऐसे कमेंट्स आपको मिलेंगे कि लोग वहाँ पे जाके जाने के बाद ना लोग इतना वो हो जाता है ना उस चीज़ में, इतना घुस जाते हैं ना कि उनको वक्त ही नहीं मिलता और बाकी दुनियादारी की कोई भी चीज़ उनको याद नहीं रहती। लेकिन ये पहली बार देखा मैंने ऐसे लोग जिनको इतना फालतू का फ्री टाइम था कि कमरा कैसा है, बाथरूम कैसा है, कपड़े कहाँ पर सुखा रहे, इन सब का वीडियो ये लोग बना रहे। और इतनी इतनी प्रमोशन, भाई खुद के पैसों से जाके इतना प्रमोशन, सऊदी में जाके भी प्रमोशन नहीं छोड़ा, उनका नंबर दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इतना प्रमोशन, भाई जी बाप रे बाप। मतलब कि एक हद होती है, तुम लोग उमरा को गए हो, जिंदगी का पहला उमरा है, अल्लाह का घर देखने के बाद, अल्लाह का दर देखने के बाद लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं, लोग मतलब वहाँ से आना नहीं चाहते हैं, अच्छे अच्छे इंसानों के रोने छूट जाते हैं वहाँ पे जाके, अच्छे अच्छे इंसानों के, ये हाँ ही कर रहे हैं, छुन छुन वाले पायल पहन के क्या मुजरा करने जा रही है क्या, सास भी जेवरात पहन के इतना मतलब बन ठंड के जा रही है जैसे किसी की शादी हो। मतलब इनमें थोड़ा दीन का कुछ है भी, यानी मुसलमान के नाम पे धब्बा है। वो बड़ा बेटा और बहू घूम रहे, चलो अच्छी बात, घूम रहे, परसों जो है मिराज की रात गई, शाही मिराज की रात गई, चलो ठीक है, घूमना फिरना सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दीन के तरफ भी झुकाव होना चाहिए ना। भूलो मत कि कौन से कौम से बिलोंग करते हो तुम लोग। यहाँ पे लोग मदारसे को, मस्जिदों को बचाने के लिए, उत्तराखंड का तो आप लोगों ने स्टोरी सुना ही होगा, लोग औरतें मार खा रही है, औरतें मार खा रही है, न जाने कितने सारे चीज़ें हो रही है। इतना थोड़ा सा तो अल्लाह के तरफ झुक जाओ, अपने लिए ला सही, उन लोगों के लिए दुआ मांगो जो लोग हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, मदरसों को, मस्जिद को जो है ना, मदरास बोले, मदरसों को, मस्जिदों को बचाने के लिए औरतें मार खा रही, मर्दे मार खा रहे। फिर वो मुफ्ती साहब को जो है क्या बोलो कि 3 दिन के लिए जेल में रख देगा, कम से कम उन लोगों की हिफाजत के लिए तो जो है ना दुआ मांग लो। हम मोमिनों का, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं किसी को प्रमोशन करती हूँ, मैं फ्री फंड का प्रमोशन करती हूँ, एक भी इंसान उठ के आके बता दे कि मैंने पैसे लेके प्रमोशन किए। मैं हर किसी को फ्री का प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम मुसलमान को एक हर एक का ना एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो यही हमारा जो है ना एक हमारे कौम का एक खूबसूरती, हम जितने भी मोमिन भाई बहन है ना, हमको एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। खड़े बहुत लोगों को देखा है खड़े होते हुए, सो उन लोगों को देखिए, मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई हूँ कि भाई मुझसे अगर मेरे कोई एक मोमिन भाई या बहन को मदद हो जाए, मैं डेफिनेटली करूँगी, मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है और मैं पैसा लेती भी नहीं हूँ, कोई अगर दिया है तो आके बोल दे।
लेकिन इनको ना शबे मिराज की रात देखते हैं, ना उमरा देखते हैं, ना मक्का देख रहे हैं, ना मदीना देख रहे हैं, इनकी नंगापंती चालू है भाई। कुछ तो शर्म कर लो, पैसों के लालच में ना इतने अंधे हो गए ये लोग, इतने अंधे हो गए, ना अल्लाह का खौफ है, ना अल्लाह के घर का मोहब्बत है, ना आखिरत का डर है, इनमें कुछ भी नहीं है, बस पैसा पैसा और पैसा। इनको तो अपने बाप के साथ भी ये वफादार ना हो पाए, बाप भले जितना भी बोलते हैं ना कि बुरा हो जाए, लेकिन वो बाप होता है, मान लेती हूँ मैं, एक 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 एक्सक्यूज अब लोग अगर वो लोग भी आके बोल सकते हैं कल को कि अब उम्रा क्या बात, तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, सफाई अभियान भी दिया जाएगा। और इनके नज़र में हर कोई बुरा होता है, जफीर बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, हर कोई बुरा है, कल को अपने बाप को भी बुरा बना देंगे कि हम इनके साथ इसीलिए नहीं रहते कि ये बुरे हैं। लेकिन अगर बाप बुरे भी है ना, तो बाप जो है ना अभी जिस वक्त तुम लोग जो है ना चल फिर भी नहीं पाते, तो उस वक्त बाप के कंधे पे या बाप की उंगली पकड़ के तुम लोगों ने चला है। तो आज तुम लोगों के बाप को तुम लोगों की ज़रूरत थी। तुम लोग इतना सफिशिएंट तो कमा सकते हो, कमाते हो चारों भाई बहन, कि अगर 20-20 हज़ार मिल के भी दे दो ना, 20-25 हज़ार मिल के एक एक भाई बहन, तो भी बाप का उम्रा हो जाए। अगर 5-5 हज़ार करके दे दो ना भाई बहन, तो भी बाप का खर्चा निकल जाए। तो इतना तो कमाते हो सारे चारों भाई बहन मिलके कि बाप का जो है खर्चा पूरा हो जाए। तो जो औलाद आपकी बाप की ना हुई, जो औरत अपनी शोहर की ना हुई, वो किसी की क्या ही होगी। इनको बस कंटेंट की परी, अरे इतने मुकद्दस जगह पे गए हो, एक आधा फ़ोटो खींच लो, ख़त्म करो कहानी, वीडियो शूट करके पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है। इबादत को गए हो, इबादत करो ना भाई, माफ़ी तलाबी करो, इबादत करो, दूसरों के लिए भी दुआ करो। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, जिनके व्यूज़ के पैसों से इतना उम्र आज तक, उनके लिए भी दुआ कर लो। अरे भाई अल्लाह के घर पे गए हो, माफ़ी तलाबी करो, अल्लाह को खुश करो। तो ये जो वीडियो बना के कमा रहे, उससे भी दुगनी तिगनी क्या पता अल्लाह तुमको दे दे बरकत, है कि नहीं है। तो इन लोगों को वीडियो बनाने के पर, ये रूम कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, एक ही रूम में जो है आलिमा मैडम जो है नाम है गैर महरम के साथ जो है ना, एक ही रूम पर रूम शेयर करने को शर्म भी नहीं आता है। वो अपनी वीडियो में बोल भी रहा है कि जिनकी नई नई शादी हुई है, इनके लिए जो है अगर बोलो तो अलग रूम देते हैं। तो तुमने क्यों नहीं बोला भाई अलग रूम देने के लिए, या फिर तुम अपनी माँ, और अगर मान लो कि माँ के सामने तुमको बीवी के साथ सिंगल रूम शेयर करने में तुमको शर्म आ रही, तो माँ बीवी को अलग रूम में दे दो ना भाई, माँ बीवी को अलग रूम में दे दो, और तुम और अनस अलग रूम पे चले जाओ। ये आलिमा है, आलिमा के नाम का मजाक बना रही, अल्लाह के नाम को, उमरा के नाम का मजाक बना रही, हैदराबाद के नाम का मजाक बना रही। हैदराबाद के लोग इतने हल्के नहीं होते हैं, मैं भी देखती हूँ ना, हमारा औरंगाबाद में भरे पड़े हैदराबाद के लोग, और हमारा भी बोल चाल जो है ना थोड़ा बहुत, मैंने हमेशा बोला थोड़ा मुंबई और थोड़ा हैदराबाद का मिक्स है। इनो उनो कैको हल्लू जा रहे, ये सब बातें जो हम करते हैं ना घर में, वीडियो में तो उतना नहीं करते हैं, लेकिन यूजुअली जो हम बात करते हैं यहाँ के, तो हैदराबाद और मुंबई के मिक्स है, ठीक है। तो जो एक्सेंट होता ना, वो मेरे को भी पता है, अरे मैं असम की छोकरी होके मेरे को यहाँ के लैंग्वेज आती है, मेरे को यहाँ के लैंग्वेज आती है, और आप लोग शायद मेरी बातों से समझते भी होंगे। और ये तो हैदराबाद की छोकरी होगी, उसको हैदराबाद की एक्सेंट नहीं आ रही, वाह क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग। मतलब कि ये लोग जो है ना, ये सिर्फ झूठ और फरेब का जो है ना ढकोसला और कुछ नहीं है। और जिस घर की औरत ही ऐसी हो, तो वो अपने बच्चों को और बहू को क्या शिक्षा देगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा उर्दू बोलते हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मुझ में नॉलेज होगी, मैं जिस कौम में हूँ और जहाँ मैं हूँ, जहाँ अभी तो मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, राइट। सो मुझे अगर यहाँ की चीज़ नहीं आएगा, तो मैं अपने बच्चों को क्या ही घंटा तालीम दूंगी। तो बच्चों को तालीम देने के लिए सबसे पहले माँ को सही होना ज़रूरी है। माँ जा रही उम्रा पे, उम्रा के नाम पे जो है ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यही करना तुम लोग गए हो। मतलब कि ये लोग बोल रहे थे ना उम्रा को कब जाओगे, उम्रा को कब जाओगे, और इन बिटवीन अल्लाह ने उनको मौका दे दिया प्रमोशन करने का। अब प्रमोशन में फ्री पैकेज भी मिल गया, तो भाई प्रमोशन में अगर फ्री पैकेज तुम लोग को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ की बात है। तो एटलीस्ट अल्लाह की तरफ झुकाव होनी चाहिए ना, ना कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्वेलरी पहन के छमछम वाला जो है ना पायल पहन के मुजरा करने लग जाओ। थोड़ा तो भी लिहाज करो, उम्र का लिहाज करो, कौम का लिहाज करो, थोड़ा बड़े बुजुर्ग होने का लिहाज करो, बहू को सिखाओ। जिस घर की सास ही ऐसे झूमर बाहर निकाल के जो है ना बैठ जाते, तो उस घर की बहुएं क्या सीखेंगी भाई। हम भी किसी की बहू है, हम भी किसी की बेटी है, मजाल किसी की। मैं बोल रही हूँ ना, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, उसी बिल्डिंग की मालकिन की भाई की बीवी मेरी वीडियो देखते हैं, सबको पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मजाल किसी की कोई उंगली उठा के बोल दे
कि भाई ये औरत ऐसी है, हम ऐसे चलते ही नहीं भाई, गरीब है लेकिन इज्जत है, इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से मालिक ने इज्जत तो नवाजा है कि कोई मेरे शहर से उठ के आके नहीं बोल सकता कि ये ऐसी है, या फिर कोई मेरे शहर से मेरे जानने वाला वीडियो बना के नहीं बोल सकता कि ये ऐसी है। और जो अनजान है, जिनको मेरे ना ससुरे का नाम पता ना मेरे बाप का नाम पता, वो क्या मेरा बैकग्राउंड बताएगा, वो क्या मेरी स्टोरी बताएगा, और जो बताएगा वो प्रूफ के साथ बताए, है कि नहीं है। तो ज़िंदगी जियो, ऐश करो, दुनियाई ज़िंदगी में भी मसरूफ़ रहो, लेकिन अपने कौम को, अपने मज़हब को, अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये तो जो है ना, ये हिंदुओं के लाइफ से इतनी इंस्पायर्ड हो गए हैं कि इनका बस चले ना तो ये भी हिंदू बन जाए, इतनी इंस्पायर्ड हो गए। वो जिनी का मैंने फ़ोटो डाला है एक थंबनेल में, स्लीवलेस, ये तो अभी जो है ना इतनी दीनदार बन रही है। एक फ़ोटो मैंने डाला है, स्लीवलेस पहन के यूँ ऐसा करके फ़ोटो वो खींच रही, बाप रे बाप, स्लीवलेस तो कभी हमने भी, जब मैं हिंदू थी मैंने भी ज़िंदगी में कभी स्लीवलेस नहीं पहना है। अगर स्लीवलेस कुछ था तो उसके ऊपर शर्क पहनती थी कि भाई एक एक लिहाज होता है, अपना नासिब है, हम तो बच्चे, हमारा क्या ही उस टाइम पे नाम होगा, क्या ही होगा। लेकिन हम जिसके बेटी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे सबको पता है कि शक्ति दादा की बेटी हो, तो जिसके बेटी के नाम से जाने जाते, कम से कम उस बाप की इज्जत तो का तो ख्याल कर लो। हमारी तो चलो माँ नहीं थी, मेरे तो 12 साल के 11 साल तक मुझे माँ मिले, जैसे 11 साल कंप्लीट हुआ, सितंबर के 8 तारीख को मेरा बर्थडे है और नवंबर के 1 तारीख को, 1 या 2 तारीख को मेरी माँ का डेथ हुआ था। तो हमको तो सिर्फ 11 साल के लिए माँ मिली, 11 साल की उम्र में से कितना साल की समझदारी थी। शुरू के 4-5 साल तो बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आता, 5-6 साल 7 साल तक समझ में ही नहीं आता, तो हमको तो उस लेवल तक माँ मिला ही नहीं। फिर भी हम जिस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की ये तरबियत ही है, या फिर खून का एक वो कह लो कि हम उस लेवल पे नहीं जा पाते। हम भी यूट्यूब में स्ट्रगल कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 9,500 की फैमिली है, बट कभी हम व्यूवर्स को पाने के लिए, बोलते ना कि जितना आप कपड़े का लेंथ कम करोगे, जितना आप ठुमके मारोगे उतना ही आपको सब्सक्राइबर व्यूज मिलेंगे, उतनी जल्दी आप फेमस हो गए। हमको भी ज़रूरत है, हम भी नीडी पीपल है, लेकिन हम जो है ना अपने नीड पूरा करने के लिए उस लेवल तक कभी नहीं गए, ना तो ठुमके मारने का रील्स बनाए, ना तो बॉडी शो करने का रील्स बनाए। हालांकि मैं तो पैदा ही उस कम्युनिटी पर हुई थी जहाँ पर लड़कियों का फ्रीडम है कि भाई वो अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन एक हद तक, लेकिन कभी हमने वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं किया, ना अपने उस रिलीजन में पैदा होने का फ़ायदा उठाया है। और ये तो मुसलमान हो कि इनकी तो माँ है, दो दो बहनें हैं, सब कुछ होते हुए भी इनके घर में ये जो दिखाते हैं ना, सब खोखले हैं, सब बनावटी है, सब फेक है। इनके चेहरे के ऊपर ना एक मास्क है जो धीरे धीरे हट रहा है, और जिस दिन पूरा मास्क हटेगा ना, उनका दुकान जो है वो बंद हो जाएगा। उनको ये बात पता है, इसलिए हर वो कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि उनका नकाब जो है ना वो ना हटे। और वो नूर आजकल कुछ ज्यादा ही बच्ची बनने पर मेरी बेटी भी हंस रही है, बार बार ये नागिनों की तरह जीभ क्यों निकालती भाई, ये नागिनों की तरह ये जीभ निकाल के क्या, मतलब ये साबित क्या करना चाहती है बार बार, मतलब नागिनों की तरह अपना जीभ निकाल निकाल के। वो बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे इसके अंदर। अरे ठीक है भाई, घूमो फिरो, खाओ, ऐश करो, मजे करो, क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त जो है बिताना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा घर का साफ सफाई भी कर लो। और ये रोज़ घूम रहे हैं, एक दिन तो आपा के पास भी जाके आए, लेकिन जिन्नी को लेके एक दिन भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? जिन्नी को घर से कट ऑफ कर दिया गया है। उस दिन भी जिन्नी आई थी तो लास्ट जब वो निकल रहे थे तब आई थी, और माँ की रस्म भी नहीं आई थी। तो ये जो है मैं बार बार बोलती हूँ एक डायलॉग, हर रोज़ मैं वही डायलॉग बोलती हूँ कि ये हम साथ साथ है, वो दिखाते हैं, लेकिन ये साथ साथ बिल्कुल भी नहीं है, ये सेपरेट सेपरेट हो चुका है। और जिसका जो है ना, बोलते ना वक्त वक्त हर चीज़ का जवाब देता है, थोड़ा सब्र कीजिए, ये बात भी जल्द ही सामने आएंगी। जैसे अब्बा की बात आई है, अब्बा घर में होते तो ही दिखाते ना, तो जैसे अब्बा की बात सामने आई ना, जिनी की असली कैरेक्टर सामने आई, तो वैसे जो है ना इनके जो फैमिली बॉन्डिंग जो है ना वो कितनी प्योर है और कितनी ज़्यादा मजबूत है, ये भी आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो चलिए आज का व्लॉग में ही पैन करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।